Assalamu alaikum. Today we will discuss about sampling of organism and as well as about their preservation. कि किस तरह से organisms की sampling की जाती है, उनको collect किया जाता है और उसके बाद किस तरह से उनको preserve किया जाता है. जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि labs वगैरह के अंदर organisms जो हैं वो different forms के अंदर preserve किए होते हैं. bottles वगैरह के अंदर different चीज़ें जो हैं वो preserve हुई भी होती हैं, जिनको आप किसी भी टाइम पे देख के आइडिया ले सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट किस तरह के हैं. तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सैम्पलिंग की जाती है और किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स को प्रिजर्व किया जाता है. यहाँ पर अभी हम टेक्निक देखेंगे कि किस तरह से हम जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उन स्पेसिमेंस को किस तरह से सेव कर सकते हैं. तो डीएनए को, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी चीज के डीएनए को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जो स्पेसिमन है, स्पेसिमन वो चीज होती है जिसको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं. उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है. यहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप इनवर्टिब्रेट्स में से कोई स्पेसिमन है और उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने का ये मेथड है कि आप उसको 95% से 99% एथानोल के अंदर जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं. और एथानॉल जो है वो एज अ किलिंग एजेंट और एज अ फिक्सेशन एजेंट जो है वो यूज होता है. एक ऑप्शन तो ये हो गया. इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि स्पेसिमन को अभी जब वो जिंदा होता है तब उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए और उसके बाद उसकी बॉडी को फ्रेशली फ्रोजन कर दिया जाए लैब्स के अंदर. जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिजर्व हुआ होता है. तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स को डेड करके उनको सेव किया जाता है और दूसरा मेथड ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं और उनको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर उनको एज इट इज प्रिजर्व कर लिया जाता है. इस तरह से जो डीएनए हमें चाहिए होता है उसको आप बहुत ज्यादा अरसे के लिए, बहुत सालों तक के लिए सेव कर सकते हैं. ज्यादा अरसे के लिए किसी चीज को प्रिजर्व करने का तरीका ये होता है कि उसकी जो ह्यूमिडिटी है वहां पर बहुत ज्यादा कम जो है वो ना हो. मींस के अगर एक डीएनए है उसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी है वो ना हो, क्योंकि जहां पर जिस चीज में नमी होती है वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है. तो ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए. और इसके अलावा एथानॉल की जो परसेंटेज है वो हाई होनी चाहिए. अगर एथानॉल जो है वो 95% से 99% की जगह पे आपने 70% तक रखा हुआ है तो उसकी वजह से स्पेसिमन जो है वो बहुत ज्यादा अरसे तक स्टोर नहीं रह पाता. और जब आप स्पेसिमन को प्रिजर्व करते हैं तो कोशिश करनी है कि उसको डार्क प्लेस में रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना रहे और जहां पर टेम्परेचर लो हो, कूल इन्वायरमेंट हो और स्पेसिमन को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो. ये मेथड जो है वो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे उनकी डीएनए स्टडी करनी हो या ना करनी हो. इस मेथड के थ्रू आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. अगर आपके पास एथानॉल जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसका मेथड ये होता है कि आप जो आपका स्पेसिमन जिसको आप सेव करना चाहते हो उसको किसी किलिंग एजेंट के साथ किल कर लिया जाए, उसके बाद फिर उसको ड्राई कर लिया जाए और फिर उसको जल्दी से स्टोर कर लिया जाए, चाहे तो किसी फ्रीजर में या फिर एथानॉल की हाई परसेंटेज में उसको लैब के अंदर सेव कर दें. स्पेसिमन को चाहे आप कितनी भी ड्राई कंडीशंस में रख लें लेकिन उसका जो डीएनए है वो कुछ सालों के लिए ही एक्टिव रहता है. कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता डीएनए जो है वो डेड होने लग जाता है. तो ये मेथड आपने देखा इनवर्टिब्रेट्स के लिए. तो इनवर्टिब्रेट्स के लिए अगर स्टडी आती है तो उसमें आप ये लिखेंगे. अगर सैम्पलिंग की बात की जाए सॉइल ऑर्गेनिजम्स की या फिर इंसेक्ट्स वगैरह की, तो उनको करने का ये मेथड होता है कि उनको जो फिक्सेशन फ्लूइड होता है उनके उसके अंदर प्रिजर्व किया जा सकता है. अगर मॉर्फोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी चीज की तो उसका मेथड प्रॉपर ये होता है कि उसको पहले किल कर लिया जाए और फिर उसको डायरेक्टली फिक्सेशन फ्लूइड के अंदर सेव कर लिया जाए. यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है हिस्टोलॉजिकल. हिस्टोलॉजिकल स्टडी वो होती है जो टिश्यूज से रिलेटेड हो. अगर किसी स्पेसिमन की हिस्टोलॉजिकल स्टडी करनी है तो उसके लिए ये जरूरी होता है
कि उसको किसी फ्लूड के अंदर प्रिजर्व किया जाए। अब जो फ्लूड्स हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, और इस तरह के फ्लूड्स होते हैं जिनके अंदर फॉर्मलिन प्रेजेंट होता है। मीन्स कि अगर हिस्टोलॉजिकल स्टडी करनी है किसी चीज़ की, तो उसको उन स्पेसिमेंस को फिर प्रिजर्व किया जाता है डिफरेंट फ्लूड्स के अंदर, ऐसे फ्लूड जिनके अंदर फॉर्मलिन प्रेजेंट हो। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है फ्लूड्स लाइक कहलेज बोइन सॉल्यूशन, कहलेज और बोइन सॉल्यूशन, ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि इंसेक्ट के लार्वा वगैरह के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं। कहले सॉल्यूशन जो है उसका एक फायदा ये होता है कि ये लार्वेस को डिसकलरेशन से बचाता है, जबकि जो बोइन सॉल्यूशन है उसमें चांसेस होते हैं कि जो लार्वा है उनका कलर जो है वो टाइम के साथ लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाता है। जब फॉर्मालिन यूज किया जाता है तो एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी वजह से टिश्यू सैंपल जो है वो टाइम के साथ साथ इस तरह से हो जाते हैं कि वो डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए फिर यूज नहीं होते। तो जब भी किसी चीज को यूज किया जाए उसको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाए। तो इस तरह से जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, उनको इसकी हेल्प से प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, उनको किस कंडीशन में, ड्राई में या वेट में, किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। स्पेसिमेन को जब प्रिजर्व किया जाता है तो ये चीज की जाती है कि नेक्स्ट जो है इसको जब भी फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो, चाहे रिसर्चेस के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसको यूज़ किया जा सके। लेकिन प्रिजर्व करते हुए ये बात कंफर्म नहीं होती कि फ्यूचर में ये जितनी भी स्टडीज के लिए यूज़ होगा क्या उसके उनके लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा या नहीं। प्राइमरी पर्पस जो है वो ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को एज अ होल उनको सेव किया जाए और उनको प्रिजर्व कर लिया जाए और उनको स्टडीज के लिए यूज किया जाए, चाहे फिर कुछ अरसे बाद डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो सरवाइव करें या ना करें, लेकिन प्राइमरी कोशिश जो है वो यही होती है कि ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रिजर्व करते हुए अराइज होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ड्राई कंडीशंस में प्रिजर्व किया जाए या वेट कंडीशन में। वेट कंडीशन का मतलब, वेट कंडीशन का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एथेनॉल के अंदर सेव किया जाता है। सबसे पहले उनको किल किया जाता है, उसके बाद उनको डायरेक्टली फिक्स कर दिया जाता है एथेनॉल के अंदर। जब एथेनॉल के साथ प्रिजर्व किया जाता है तो कहा जाता है कि ग्लिसरॉल को आप ऐड कर लीजिए, उससे ये होता है कि स्पेसिमन जो है वो उनकी हार्डनेस जो है वो कम हो जाती है। मींस कि अगर पूछा जाए कि ग्लिसरॉल क्यों ऐड किया जाता है, तो ग्लिसरॉल स्टिफनेस को कम करने के लिए ऐड किया जाता है। ग्लिसरॉल जो है उसको एथेनॉल के अंदर मिक्स करने का ये फायदा होता है कि ग्लिसरॉल बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, अगर कंटेनर जो है वो टाइटली पैक नहीं भी किया, अगर किसी कोई कंटेनर स्पेसिमन का उसका जो कैप है वो टाइटली आप बंद करना भूल गए हैं, तो ग्लिसरॉल जो है वो इवेपोरेट नहीं होता, उड़ नहीं जाता, जिसकी वजह से स्पेसिमन जो है वो सेफ रहता है। लेकिन ग्लिसरॉल को स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट जिनके विंग्स वगैरह बहुत नाजुक होते हैं उनके लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लिसरॉल विंग उन स्मॉल इंसेक्ट्स के विंग्स को इतना ज्यादा सॉफ्ट कर देता है कि जब वो एयर ड्राई होते हैं, जब कभी उनको एयर ड्राई किया जाता है, वो फिर फ्लैट पोजीशन में नहीं आते, वो अजीब से या डिफरेंट पोजीशंस में अकड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको स्लाइड्स के ऊपर माउंट करना होता है, उनके लिए ग्लिसरॉल और एथानॉल का सोल्यूशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एथानॉल जिन वायल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसी वायल्स जिनके अंदर स्पेसिमेंस को सेव किया होता है और उनके अंदर एथानॉल प्रेजेंट होता है, उनको एथेनॉल से पूरे तरीके से फिल करके बंद करना चाहिए। उसकी रीजन ये होती है कि जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो एथेनॉल आसपास हो ऑर्गेनिज्म के, ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट डैमेज हो जाए कम एथेनॉल होने की वजह से। अगर वायल के अंदर स्मॉल एयर बबल्स भी बन जाए तो वो भी जो नाजुक किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर वायल्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को सेव किया गया है वो ग्लास की हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी, जैसे एरोप्लेन वगैरह के अंदर,
तो ऐसा हो सकता है कि जब वो पूरी तरीके से एथेनॉल से फिल हुई भी हो तो वो क्रैक हो जाए। इसलिए प्लास्टिक की वाइल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं यूज़ करना, और उनको भी अगर पैराफिल्म से कवर कर लिया जाए तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट शो करती हैं। तो जब एथेनॉल को यूज़ किया जाता है, एथेनॉल जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली बहुत से केसेस में जब ट्रांसपोर्ट वगैरह करनी होती है तो ड्राई प्रिजर्वेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ड्राई प्रिजर्वेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको गैशियस किलिंग एजेंट के थ्रू किल किया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई तरीके से स्टोर, उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है और फर्दर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जिन ऑर्गेनिज्म्स को ड्राई तरीके से सेव किया जाता है उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू उन ऑर्गेनिज्म के जिनको एथेनॉल में प्रिजर्व किया जाता है। एट टाइम्स ड्राई प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, स्पेशली जो इंसेक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, और उन वो किसी ऐसे डे पे कलेक्ट किए जाते हैं जिस दिन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत ज़्यादा डेलिकेट किस्म के, नाजुक किस्म के होते हैं, तो उनका कोई बॉडी पार्ट जो है वो लूज होने का खतरा होता है। उनका कोई पर गिर गया या उनकी कोई लेग जो है वो टूट के गिर गई ज़्यादा खुश्क होकर अकड़ के, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है। तो एट टाइम जो कलेक्टर होते हैं वो वेट प्रिजर्वेशन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई प्रिजर्वेशन। तो फिर ऐसे केसेस के अंदर एक प्लास्टिक बॉक्स जो है वो लिया जाता है, उसके अंदर वेट टिश्यूज जो है वो रखे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो ड्राई वाली है उससे ज़्यादा वेट कंडीशंस को प्रेफर किया जाता है। टिश्यूज़ वगैरह जो आप स्पेसिमन प्रिजर्व कर रहे हैं उसके टिश्यूज़ वगैरह मोल्ड ना हो, तो ऐसा भी होता है कि आप थायमोल कैम्फर सॉल्यूशन या फिर क्रिस्टलाइन थायमोल को टिश्यूज़ के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि वो मोल्ड वगैरह ना हो। और जो बॉक्सेस वगैरह सेव करने के लिए आपको चाहिए होते हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एंटोमोलॉजिकल सप्लायर। तो एंटमोलॉजी जो होती है वो इंसेक्ट की स्टडी से रिलेटेड होती है। तो इंसेक्ट्स वगैरह के लिए जो है वो बॉक्सेस वगैरह इजीली सप्लायर से मिल जाते हैं। तो प्रिजर्व करते वक्त थायमोल जो है उसको डाला जा सकता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट शो करें। तो इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, और देखा जाता है कि ड्राई जो है ड्राई मेथड वो ज़्यादा बेहतर है या फिर वेट मेथड वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए और देखते हुए कि इंसेक्ट किस साइज़ का है या ऑर्गेनिज्म किस साइज़ का है, डिसाइड किया जाता है कि कौन सी प्रिजर्वेशन टेक्निक बेहतर है, आइदर ड्राई और वेट।